आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है, बिंदु 0, 3 और 5, 2 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ x अक्ष y अक्ष प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया या y अक्ष हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं x अक्ष y अक्ष हमारे पास है। यहाँ मूल बिंदु O हमने मान लिया। अब बिंदु 0, 3 व 5, 2 दिया गया है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यह हमारा बिंदु 0, 3 है। यहाँ पे x का नियामक 0 है, चूंकि यह कहाँ स्थित होगा, y अक्ष में स्थित है। बात करें यदि 5, 2 की, तो 5, 2 हमें यहाँ कहीं मिल जाएगा। x का नियामक 5, y का नियामक 2। यहाँ देख सकते हैं यदि हमारे पास वृत्त का जो केंद्र है, चूंकि y अक्ष पे है, यदि इस तरफ ऊपर की ओर यदि हमें वृत्त का केंद्र मिलेगा, तो ये वृत्त कुछ इस प्रकार से जाएगी, जो कि 5, 2 से होकर नहीं जा रही है। तो यह तो अवश्य हम बोल सकते हैं कि 0, 3 से नीचे की ओर हमारा वृत्त का केंद्र बनेगा। तो यहाँ से यहाँ धनात्मक में या ऋणात्मक में कहीं भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, लेकिन यह अवश्य कह पाएंगे कि जो केंद्र के लिए निर्देशांक होगा वह 0b या फिर 0-b हमें प्राप्त होगा। चूंकि यह y अक्ष में है, इसलिए x का नियामक तो हमें अवश्य रूप से 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका निर्देशांक 0b है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, वृत्त का व्यापक समीकरण हमारे पास क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण यदि हम लिखें, हमारे पास होगा x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0। ये हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास केंद्र क्या हो जाता है, हमारे पास केंद्र ऋण जी ऋण f तथा त्रिज्या r बराबर करनी में g वर्ग धन f वर्ग ऋण सी हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने केंद्र 0b को माना था। तो यहाँ से यदि हम तुलना करें तो ऋण जी के स्थान पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, तथा ऋण f के स्थान पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, b प्राप्त होगा। तो यहाँ से g का मान 0 व f का मान ऋण b हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम दे देंगे समीकरण पहला, और हम लिख सकते हैं यदि वृत्त एक जो हमारा है, उसका केंद्र शून्य ऋण बी तथा वह बिंदु क्या बिंदु दिए गए हैं, बिंदु 0, 3 व 5, 2 दिए गए हैं। बिंदु 0, 3 व 5, 2 से होकर जाता है, तब क्रमशः हमारे पास वृत्त के समीकरण क्या हो जाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y के स्थान पर क्रमशः 0, 3 व 5, 2 हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से हम हल करेंगे, हमारे पास क्रमशः जैसा हमने लिखा 0, 3 के लिए देखें, तो यह हो जाएगा 0 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 2, गुणित g का मान तो 0 है, x का भी मान 0 है, धन 2 गुणित f का मान ऋण b और y का मान हमारे पास 3 है, धन c बराबर 0।
यहाँ से हम देख सकते हैं 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 ऋण 2 गुणित 3, तो ये हो जाएगा ऋण 6 b धन c = 0। यहाँ से यदि पक्षांतर करें तो c का मान हमारे पास आ जाएगा 6 b ऋण 9। ये हमारे पास c का मान कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि हम यहाँ पे एक्स वाई के स्थान पर 0, 3 व 5, 2 क्रमशः रखेंगे, अब हम रखेंगे 5, 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 गुणित g का मान 0 गुणित x धन 2 गुणित f कमांडर b गुणित सॉरी x की जगह यहाँ पे हम रखेंगे 5 और यहाँ y की जगह 2 धन। अब c का मान हमारे पास क्या है, 6 b ऋण 9 है, तो 6 b ऋण 9 रखा बराबर 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 5 का वर्ग 25 धन 2 का वर्g 4 धन 0 ऋण 2 दूनी 4 b धन 6 b ऋण 9 = 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 6 में से 4 गया, 2 भी हमारे पास बच जाएगा, और 25 4 कितना हो गया 29, 29 में से 9 घटा तो हमारे पास आ गया धन 20 = 0। इस प्रकार 2b = हम लिख सकते हैं ऋण 20 पक्षांतर करने पर, वो b का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 * 2 = 0, तो b का मान हमारे पास हो गया ऋण 10। चूंकि b का मान हमारे पास ऋण 10 हो गया, इसलिए हम c का मान निकाल सकते हैं, 6b ऋण 9 है, तो 6 * b के स्थान पर ऋण 10 ऋण 9, तो इस तरह ये हो गया ऋण 60 ऋण 9, तो c का मान हमारे पास ऋण 69 आ चुका है। ये हमारे पास ऋण 69 आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं c का मान हमें ऋण 69 ज्ञात हो गया। अब जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं g का मान तो 0 है, f का मान ऋण b हमने कहा था, तो इस प्रकार हमारे पास हम लिख सकते हैं g का मान 0 वो एफ का मान ऋण b। हम बात करें यदि b का, तो b का मान कितना है, ऋण 10 है, तो इस प्रकार यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऋण 10, तो f का मान यहाँ से हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं वृत्त का समीकरण निकालने के लिए, समीकरण 1 में हम g, f और c का मान रख देंगे, तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, x² / y² / 2gx (g = 0) + 2fy (f = 10) + c (c = ऋण 69 हमारे पास है बराबर 0। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, x² / y² / 20y (ऋण 69 = 0। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं कि यह हमारे वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात हो चुका है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण ज्ञात हुआ। तो उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।